छपरा में मुखिया प्रत्याशी को मारी गोली। डॉक्टर ने बताया अब है खतरे से बाहर। 21 साल पहले पिता की हुई थी हत्या। हलवाई के संदिग्ध हालत में मौत। वाराणसी में सड़क पर मिला बिहार निवासी अधेर का शव। सिर के पिछले हिस्से पर लगी चोट। पिकअप वैन से हथियारों की तस्करी। लखीसराय में एसटीएफ की दबिश। अधूरे बने 18 पिस्टल के साथ गिरफ्तार किए गए 2 हथियार तस्कर। पटना में बाइक की टक्कर से 1 की मौत। मजदूरी कर लौट रहे व्यक्ति को बाइक सवार ने मारी टक्कर। परिजनों ने किया सड़क जाम। पटना पहुंचे कन्हैया। हार्दिक और जिग्नेश की तिकड़ी। कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहली बार आए सीपीआई महासचिव। बोले कन्हैया ने धोखा दिया। बिहार में कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन टूटा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बोले अगला लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। आरजेडी ने कहा पार्टी को कमजोर कर रहे दास। बिहार के शरद सागर ने केबीसी में जितवाए 1 करोड़। एक बार फिर एक्सपर्ट के रूप में दिखे। प्रश्न पर 19 साल के साहिल की मदद। त्योहारों की तैयारी। दीपावली में घरों को रोशन करने के लिए कुम्हारों की चाक की रफ्तार हुई तेज। वाल्मीनगर में चांदनी चंपारण प्लेटफॉर्म की होगी शुरुआत। वीडीआर में इको टूरिज्म को एग्रो टूरिज्म से जोड़ा जाएगा। डीएम ने निरीक्षण कर घोषणा की। सड़क हादसे में मां बेटी की मौत, पिता पुत्र घायल। नालंदा में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। पुलिस ने ट्रक जब्त कर चालक को हिरासत में लिया। पटना से लूटा गया एटीएम औरंगाबाद से बरामद। अपराधियों ने एटीएम काट कर 21,10,600 रुपए निकाले। मशीन को नहर में फेंका। महामहिम के दौरे के आखिरी दिन 3 घंटे पब्लिक परेशान। पटना जंक्शन से गांधी मैदान तक रोड पर बैरिकेडिंग। सामान लेकर भटकते रहे राहगीर। किशनगंज में भड़भड़ाकर नदी में गिरा मंदिर। सीमाई इलाकों में नदियों का कटाव तेज। मंदिर गिरता देख लोगों ने लगाए मां दुर्गा के जयकारे। देश में 100 करोड़ पार, लेकिन बिहार में लापरवाही। कोरोना का केस कम हुआ तो गांव में टीका को लेकर होने लगी मनमानी। कोरोना काल में कंपनियां नहीं पहुंची कॉलेज। प्लेसमेंट देने में पिछड़ रहे इंजीनियरिंग कॉलेज। पिछले 3 वर्षों में MIT में 18.4%, तो भागलपुर में 13.3%।